हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनन सच सेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। गिवन क्या है हमें? डायमीटर डी से डिनोट करेंगे। डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले हमें डायमीटर गिवन है, सबसे पहले फाइंड करेंगे हम रेडियस, दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन में 2, 10.5 डिवाइडेड बाय 2। डेसिमल हटाएंगे 5 का, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन में आ गया 10, 2, 5 2s आर 10, 5 2s आर 10, 5 1s आर 5, सो 21 अपॉन 4 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन। हमें क्या फाइंड करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए? दैट इज पाई आर एल। पाई की हमें कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम पाई की वैल्यू यूज करेंगे 22 अपॉन 7, रेडियस इज 21 अपॉन 4 एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। 7 3s आर 21, 2 11, 2 5s आर 10, सो 33 इंटू 5, 5 3s आर 15 एंड 1 16, सो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास कोई कोन है, इसका हमें बेस का डायमीटर गिवन है, दिस डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट, दिस इज द स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। डायमीटर, जब भी हमें क्वेश्चन में डायमीटर गिवन हो, सबसे पहला स्टेप कि आपको रेडियस फाइंड करना है। अगर रेडियस फाइंड नहीं किया तो कई बार बाय मिस्टेक रेडियस की जगह पे बच्चे डायमीटर की ही वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब भी डायमीटर गिवन हो, सबसे पहला स्टेप फाइंड द रेडियस। स्लांट हाइट गिवन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई किया, पाई की वैल्यू आर की है, एल की है, देन सॉल्व।